बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इफ्तार स्पेशल रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। ईद स्पेशल रेसिपी है, झटपट से रेडी हो जाएगी पोटैटो रोल समोसा की रेसिपी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चले बनाते हैं इसको। सबसे पहले 2 कप मैदा लिया है मैंने, इसको अच्छी तरह से छान लिया है। इसमें 1 टीस्पून जाएगा नमक और 1 चुटकी जाएगी इसमें अजवाइन। अजवाइन को आपने इसी तरह नहीं डाल देना, हाथों में मसल के डालना है। इससे क्या होगा, इसकी खुशबू जो है वो बढ़ जाएगी, दुगनी खुशबू आएगी और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, इसलिए आपने इसको हाथों में मसल के ऐड करना है। उसके बाद 5 खाने के चम्मच आपने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करना है। अगर तो आपके पास घी है तो आप उसको भी मेल्ट करके ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे ताकि आटा यानी कि जो मैदा है और घी है ये एक जान हो जाए। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी इसकी मुट्ठी बन रही है। जब तक इसकी मुट्ठी नहीं बनेगी आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है। जब इसकी अच्छी सी मुट्ठी बनने लगे इस तरह से, तो आपने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको एक सॉफ्ट सी डो बना देना है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल ही लाइट पानी इस्तेमाल करना है आपने। तो इसकी अब अच्छी सी बनाएंगे हम डो। समोसा के लिए, रोल के लिए जो हम डो रेडी करते हैं उसको आपने आटे की तरह नहीं गूंदना दोनों हाथों से, आपने उसको हथेली के इस पार्ट से गूंदना है ताकि आटा जो है इसके अंदर जितनी भी गुठलियाँ हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, पिस जाएं। यहाँ पे देखिए इस तरह से मसल मसल के आपने आटे को गूंदना है। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से मैंने आटे को अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब इसका बनाएंगे खूबसूरत सा पेड़ा और इसके ऊपर हल्का सा ऑयल रब करके तो हम रख देंगे इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए। यहाँ पे इसको 1 घंटे के लिए हम साइड पे कर देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 से 4 मीडियम साइज़ के आलू, इसको दरमियान से कट करके मैंने बॉईल कर लिया है, इससे जल्दी आलू बॉईल होते हैं। अब हमने इसको कद्दूकस करना है ताकि इसके अंदर कोई भी आलू का छोटा सा छोटा पीस नहीं रहे। तो अच्छी तरह से यहाँ पर हम इसको मैश कर लेंगे कद्दूकस की मदद से। अगर आपके पास बड़े वाला कद्दूकस है तो आप उससे भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर देखें सारे आलू को इसी तरह से हम मैश कर लेंगे। यहाँ पे आलू मैश हो चुके हैं। अब आपने ध्यान रखना है कि स्पाइसेस मैं कौन से इस्तेमाल कर रही हूँ और कितनी क्वांटिटी में इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें क्या होता है कि लोग स्पाइसेस कम या ज़्यादा कर देते हैं और फिर बोलते हैं कि हमारी जो रेसिपी है वो ठीक से नहीं बनी। 1 खाने का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आप इसकी जगह पिसी हुई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1/2 चाय का चम्मच पिसा हुआ खुश्क धनिया, 1/2 चाय का चम्मच चाट मसाला, 1/2 चाय का चम्मच हल्दी का पाउडर, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा, 1/2 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, उसके बाद 2 से 3 आपने बारीक कट करके सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देनी है इसमें, और 2 खाने के चम्मच इसमें जाएगा फ्रेश कोरिएंडर यानी के सब्ज़ धनिया। अब सारे मसालों को, सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने अच्छी तरह से हाथों से मैश करते हुए मिक्स करना है ताकि अंदर इसके अंदर कोई गलती से आलू का पीस भी चला गया है तो वो भी अच्छी तरह से मैश हो जाए। तो इसकी मिक्सिंग बहुत ही अच्छी तरह से करनी है आपने। यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से आलू को मैश कर लिया है। अब इसमें एक मेन चीज़ ऐड करते हैं, वो है कॉर्नफ्लावर, आप इसको कॉर्न स्टार्च भी बोलते होंगे। 3 खाने के चम्मच हम कॉर्नफ्लावर इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने इसको मिक्स नहीं करना, इसी से आपकी रेसिपी जो है वो बेस्ट बनेगी। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग हो चुकी है। अब हम इसको साइड में रखते हैं और चलते हैं डो बनाने की तरफ। तो यहाँ पे देखें बड़ा सा पेड़ा लिया है, इसको अब 2 पीसेज में हम कट करेंगे ताकि इससे हम 2 रोटियां बना सके और इससे ढेर सारे हम जो हैं पोटैटो रोल समोसा बना सके। तो 2 पीसेज में इसको मैंने कट कर लिया है। अब इस एक पीस का हम बहुत ही खूबसूरत सा पेड़ा बनाएंगे। जैसे घर में आप नॉर्मली रोटी का पेड़ा बनाते हैं उसी तरह आपने इसको पेड़ा बना लेना है। इसके बाद नीचे आपने हल्का सा आटा डस्ट करना है, उसके ऊपर रखना है इस पेड़े को और आहिस्ता आहिस्ता से इसको बेलना स्टार्ट करना है। इतनी रोटी आपने इसको पतली बेलनी है जिससे आपको इसको फोल्डिंग में आसानी हो। जितनी आप घर में आम रोटी बेलते हैं बिल्कुल उसी तरह से आपने इसको बेलना है। यहाँ पे देखिए रोटी को मैंने बेल लिया है, ना ही बहुत ज़्यादा पतली है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटी है ये। अगर आप रोटी को बहुत ज़्यादा पतला रखेंगे तो वो फोल्डिंग के दौरान टूट जाएगी, फट जाएगी, और अगर इसको बहुत ज़्यादा मोटा रखेंगे तो वो टेस्ट उसका नहीं आएगा, अच्छे से नहीं पक पाएगी। इसके बाद आपने इसके मिड में रखना है कोई भी छोटा सा ढक्कन या फिर कटोरी, और जो आलू का मसाला हमने रेडी करके रखा है इसको इस तरह से जैम के चम्मच से या फिर छुरी की मदद से आपने इसको लगाना है इस तरह से। इस मामले में आपने इधर बन जाना है मिस्त्री, बहुत ही अच्छी तरह से इसके ऊपर से हमने आलू लगाने हैं।
जैसे मिस्त्री पलस्तर करते हैं घर पे, बिल्कुल उसी तरह से आपने इस रोटी के ऊपर इन आलू को पलस्तर कर देना है। बहुत ज़्यादा मोटी लेयर नहीं लगानी आपने, बिल्कुल नॉर्मल सी लगानी है, ना ही बहुत ज़्यादा पतली और ना ही बहुत ज़्यादा मोटी, ताकि इसको फोल्डिंग करने में आसानी हो। तो यहाँ पे सारी रोटी के ऊपर आलू हमने मैश किए हुए लगा दिए हैं, ढक्कन को हम साइड में रखेंगे। अब आप पूछेंगे कि ये ढक्कन हमने क्यों रखा था, नेक्स्ट आपको बताऊँगी मैं इसको क्यों रखा था। तो अब इसको कट कर लेते हैं। तो खूबसूरती से आपने इसकी कटिंग करनी है, ध्यान से कटिंग को देखना है किस तरह से मैं कटिंग कर रही हूँ, और बिल्कुल इसी तरह से आपने करनी है। और इस तरह आपने आहिस्ता आहिस्ता सारी रोटी के ऊपर अच्छी तरह से कट लगा लेने हैं। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से सारी रोटी के ऊपर आपने अच्छी तरह से कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद बात आएगी इसको फोल्डिंग की। तो फोल्डिंग करने से पहले आपने इसके मिड में जो हिस्सा हमने ढक के रखा था उसके ऊपर लगाना है पानी, ताकि अच्छे से लास्ट से जुड़ जाए। तो यहाँ पे इसको नरम हाथों से आपने फोल्ड कर लेना है, बहुत ही आसानी से फोल्ड हो जाएगी। तो लास्ट से आपने इसको थोड़ा प्रेस करके फोल्ड करना है, ताकि जो पानी है वो मैदे के साथ रोटी के साथ अच्छी तरह से लग जाए और हमारी जो पोटैटो रोल समोसा है ये खुले नहीं। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता करके आपने सारे रोल बना लेने हैं, जल्दी से बन जाएंगे और बनाते हुए बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से ढेर सारे मैंने पोटैटो रोल समोसा बना के तैयार कर लिए हैं। तो लुक चेक कीजिए कितनी यूनिक और कितनी प्यारी लुक आई है इसकी। अब इसको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल को आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, मीडियम फ्लेम पे आपने गर्म करना है। तो यहाँ पे देखिए कितना सा ऑयल गर्म है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके आपने इसके अंदर ये रोल समोसा को ऐड कर देना है। ऑयल का टेम्परेचर आप चेक कर लीजिए, जैसे ही मैं इसमें रोल समोसा ऐड कर रही हूँ ऑयल जो है वो हल्का हल्का सा मज़ीद गर्म स्टार्ट होना शुरू हो रहा है, और बबल्स इसमें बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता से बन रहे हैं। अलट पलट के आपने इसको सेक लेना है और इसके ऊपर हल्का सा आपने कलर लेके आना है, गोल्डन सा। आलू को आपने जला नहीं देना और ना ही इसकी ऊपर वाली डो को जलाना है। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से हमारे जो रोल समोसा हैं ये बिल्कुल रेडी हैं, कितना सुनहरी सा गोल्डन सा इसके ऊपर कलर आ चुका है। अब हम इसको छन्नी में निकाल लेते हैं, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। उसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। तो फाइनल लुक को आपने मिस नहीं करना, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे क्रिस्पी टेस्टी हमारे पोटैटो रोल समोसा बन के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इस रेसिपी को आपने आज ही ज़रूर बनाना है। आप ईद के लिए इसको बना के स्टोर कर सकते हैं, इफ्तार के लिए आप इसको बना के स्टोर कर सकते हैं। सिंपल, ईजी और टेस्टी रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ मेरी पहली रेसिपीज़ की तरह ये रेसिपी भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी इसको लाइक कर दें, कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस तरह की लगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़।